सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक्निकल अभिषेक यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टॉप 5 टिप्स टू बूस्ट योर स्मार्टफोन नहीं कंप्यूटर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो सबसे पहला जो टिप्स है वो है डिसेबल अनवांटेड स्टार्टअप एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, अगर आपके स्टार्टअप में कुछ ऐसे एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं जिसका आपको कोई भी ज़रूरत नहीं, तो आप उसे डिसेबल कर सकते हो। तो उसे डिसेबल कैसे करना है वीडियो में देखते रहिए। तो स्टार्टअप एप्लीकेशन को डिसेबल करने के लिए पहले आपको अपने टास्क मैनेजर पर चले जाना है और उसके बाद यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको स्टार्टअप करके कुछ ऑप्शंस वगैरह है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके कंप्यूटर स्टार्ट होने पर रन हो जाते हैं। तो कुछ कुछ इनेबल हो सकते हैं और कुछ डिसेबल भी हो सकते हैं। तो जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं, आपको लगता है कि इस चीज़ को स्टार्टअप पे नहीं रन होना चाहिए, तो आप उसे सिंपल से यहाँ पर क्लिक करके इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो हमारा जो दूसरा चीज़ है वो है अनइंस्टॉल अनवांटेड ब्लॉटर्स। या दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में कुछ बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर घुसे पड़े हैं, आपको पता नहीं कि उसे कैसे रिमूव करना है, तो वीडियो आई बटन पे शो कर रहा होगा या डिस्क्रिप्शन पे भी है। तो हमारा जो थर्ड टिप्स है वो है कीप योर विंडोज अपडेटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको विंडोज में कुछ तरह का अपडेट्स है तो आप उसे जल्दी से जल्दी अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अपडेट करने की वजह से आपके कंप्यूटर में कुछ तरह का अगर बग्स है वो फिक्स हो जाता है और आपका कंप्यूटर पहले से थोड़ा सा ज़्यादा तेज चलता है। तो हमारा जो फोर्थ टिप्स है वो है क्लीन टेम्पररी फाइल्स। जी दोस्तों, आपके कंप्यूटर में बहुत सारे टेम्पररी फाइल्स जमा हो जाते हैं अगर आप कुछ काम करते हो तो आपको उसका कोई भी ज़रूरत नहीं होता है, तो आप उसे चाहो तो आसानी से क्लीन कर सकते हो। तो टेम्पररी फाइल्स को कैसे क्लीन करना है आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, देखते रहिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्विच टू SSD। चलिए दोस्तों, अगर आप HDD पे आपका कंप्यूटर चला रहे हो तो आपको SSD पर शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि SSD HDD से थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चलता है। तो इसके वजह से आपका कंप्यूटर का जो बूटिंग टाइम है या फिर आपका कंप्यूटर ही पूरा बहुत ही स्पीड चलेगा, तो स्विच टू SSD। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।